प्रथम लड़ाम श्री गुरु वंदन कर श्री हरिदास विपुल प्रेम निज नैन गहि कही सुजसु बिहारि न दास गुरु सेवत गोविंद मिलो गुरु गोविंद आहि श्री बिहारि दास श्री हरिदास को जीवत बिगरीले समारी के मेरी कुंज बिहारी नुबार और न सो कर सके अपनिन को प्रतिपाल अनंत जन्म की भूल को छिन में डारे खोए श्री कुंज बिहारिन लाडली तुम ते सब कछु हो मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण जान नदी जो जगत में परशु पद सुख जो बिगरे गिराबुरी होए भगत पुहास ताते तुम सु कह तू ऐच आपने पार भूल छुड़ाओ लाडली समझ देओ भरपूर यह बात तिहारी हाथ है मेरी सजीवन मेरी लाज लाडली तो ही सबई तिहारे हाथ श्री बिहारी दास को अब न आनगत तुमरे चरण कमल मम्मा श्री हरिदास नमस्तुभ्यं वृंदारण्य निवासने बिहारी प्राणवित्ताय नमः प्रेमैकमूर्ते अनायासेन दातारं केले कुंज विहारिणो केनापि सुकृतेनाहं स्वामिनं शरणं गतः वृन्दाटवीरजः पात्रो निधवर्ण्य निवास कृत गान विद्या निधानो सस्वामी शरणं हिना सस्वामी शरणं हिना सस्वामी शरणं हिना स्वामी से स्वामी भये इन समोर न कोई किशोर दास इन शरण ते इन ही समझन हो दीन बंधु दुख द्वंद्व हरण हरि दीन बंधु दीन बंधु दीन बंधु
दीन बंधु दुख द्वंद्व हरण हरि शरण तिहारे श्री हरिदास। दीन बंधु दुख द्वंद्व हरण हरि शरण तिहारे श्री हरिदास। दीन बंधु दुख द्वंद्व हरण हरि शरण शरण तिहारे श्री हरिदास। शरण तिहारे श्री हरिदास। दीन बंधु दुख द्वंद्व हरण हरि शरण तिहारे श्री हरिदास। शरणागत पालक श्री स्वामी शरणागत पालक श्री स्वामी शरणागत पालक श्री स्वामी करुणा सिंधु घालक जगत्राग दीन बंधु दुख द्वंद्व हरण हरि शरण तिहारे श्री हरिदास। दीन बंधु दुख द्वंद्व हरण हरि शरण सुखद दृष्टि तुम होत ही सुखद होत तताक्षण सुखद सुखद दृष्टि तुम होत तताक्षण रस ही सृष्टि सुजुगल बिला दीन बंधु दुख द्वंद्व हरण हरि दीन बंधु दुख द्वंद्व हरण हरि शरण तिहारे श्री हरिदास। दीन बंधु दुख द्वंद्व हरण दुर्लभ देश सुलभ वृंदावन दुर्लभ देश सुलभ दुर्लभ देश सुलभ वृंदावन दुर्लभ देश सुलभ दुर्लभ देश सुलभ वृंदावन श्याम दास छिन्न छिन्न पद आर दीन बंधु दुख द्वंद्व हरण हरि दीन बंधु दुख द्वंद्व हरण हरि शरण तिहारे श्री हरिदास। दीन बंधु दुख द्वंद्व हरण हरि शरण तिहार शरण तिहारे श्री हरिदास। शरण
शरण तिहारे श्री हरिदास बंधु दुख बंधु हरण हर शरण तिहारे श्री हरिदास बंधु स्वामी जो बिहारी जो वृंदावन चंद जो की समस्ताचार्य वृंदन की गुरुदेव शरणारविंद की रंगीले बिहारी बिहारिन की समस्त प्रेमी जनन की जय जय श्री हरिदास जय जय श्री हरिदास जय जय श्री हरिदास। अखिल माधुरेक मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि रसिक कमल कुल दिवाकर अनन रप्ति श्री स्वामी हरिदास जी महाराज, जो नहीं प्रगति ललित किशोरी तौन प्रगटतो नित्य विहार, ये परम रहस्य सर्वोपर नित्य विहार स्वामी जी महाराज प्रकट नहीं होते तो नित्य विहार प्रकट नहीं होता। एकमात्र भक्ति का उपदेश करने के लिए तो धराधाम पे आचार्य मानुभाव हमेशा से प्रकट होते रहे, लेकिन मूलतः जो सर्वोपर नित्य विहार है, पूर्ण प्रेम है वाकू प्रकट करवे वारे और सर्वत्र और सभी धामन के श्रोमणि स्वरूप श्री स्वामी हरदास जी महाराज जहाँ विराजे श्री धाम वृंदावन चंजू, तो श्री धाम वृंदावन और वृंदावन में सर्वोपर श्री स्वामी हरदास जी महाराज मूलतः सर्वोपर रस को लेके प्रकट हुए। आचार्य मानभावन को निर्णय है कि स्वामी जी महाराज को प्राकट्य नहीं हो तो जो मूल तत्व है, मूल रस है, निपट रस है, निर्बध नित्य विहार है, सर्वोपर नित्य विहार है, ये प्रकट नहीं होता। लोभी लोग भोग के लालच पच मरते विद्या आचार, जो न प्रगटती ललित किशोरी तो न प्रगटतो नित्य विहार। स्वामी जो रसिकन के रस देन को ये प्रगटे रसिकानंद, आगे भय न होएंगे ये पूर्ण आनंद। इसीलिए हरी राम व्यास जी ने पूर्व प्रसंग में भी आप प्रेमी जनों ने श्रवण किया, हरी राम व्यास जी ने मुक्त कंठ से सभा के मध्य में विशिष्ट रसिकमान भावों के होते हुए भी सबके होते हुए और उन्होंने कह दिया, ऐसो रसिक भयो नहीं हुए है भूमंडल आकाश। बहुत बड़ी बात है। आचार्य प्रवर श्री स्वामी बिहारीनंद जी महाराज कहे हैं, हरिराम व्यास जी की या गुप्त गाथा को, ये गोपनीय शब्दों को और यथार्थ रूप में स्वामी जी महाराज के स्वरूप को जो सभा के मध्य में वखान किया, जिन जिन महानुभावों ने इस रहस्यमय वचन को स्वीकार किया और स्वामी जी के श्री चरण कमलों में अनन्य भाव से रति की, उनको वस्तु अवश्य हस्तामल हो गई और जो अलग थलग रह गए वो अलग थलग रह गए। बोलो बिहारी जो उनको नहीं प्राप्त हुए। सांची शरण ले स्वामी की तो पहुंचन पावे, नातर रहे बीच ही हिल गयो कोट कल्प नहीं जावे। स्वामी श्री रसरंगदेव जी महाराज कहते हैं कि भैया या रस रहस्य की जो सर्वोपर निपट नित्य विहार है, जो बिहारी विहरण का, जो बांके बिहारी जी महाराज का, क्यों अवतारी भरता सुप्रभु नित्य विहारी एक और भक्त भाव पूर्ण करें धर्य अवतार अनेक। अनेक अवतारों के रूप में बिहारी जी महाराज के ही अंश हैं और मूल तो है बांके बिहारी जी महाराज सबके अंशी हैं। बोलो बिहारी जो महाराज सभी अवतार हैं, अंश कला अवतार हैं, भगवान श्री कृष्ण चंजू पूर्ण कला अवतार हैं और बांके बिहार जी महाराज अवतारी हैं। बोलो स्वामी जो ये रस रहस्य समझना ही होगा। पूर्ण प्रेम प्रकाश ने श्री श्यामा सुकुमार मोहन जू के नयन चकोल लो सस जीवत बदन।
तो पूर्ण प्रेम को प्रकट करबे के ताहीं श्री स्वामी जी महाराज को अवतरण भयो। रसकन के रसदैन हुए प्रगट ये रसिकानंद, ये आगे भयन होएंगे पूर्ण आनंद कन। इसीलिए श्री किशोरदास जी महाराज ने कह दिया कि स्वामी से स्वामी भई इन सम और न कोई, किशोरदास इन शरण ते इन ही समझन हो। कैसे कृपालु दयालु हैं स्वामी जी महाराज। कोई स्वामी जी के श्री शरण कमलन में अनन्य भाव कर ले तो अपने समान ही बना ले में, ऐसा कौन है सका है। बोलो स्वामी जी महाराज। अखंड रूप से बिहारी बिहारन को लाड लड़ा में है, एक रूप से पूर्व प्रसम वचन का सिद्धांत माध्यम से भी सुना था प्रेमी जनों ने। द्वितीय रूप एक धर्म धुरा बाह श्री स्वामी, एक रूप थे यहाँ धर्म के मूल धुरा बन के और सबको उपदेश करते भे, और श्री ललिता स्वरूप सो नित्य निकुंज महल में और बिहारी विहारन को अखंड बिहार परायण रखते भई, आनंदित करते भई। तो द्वै द्वै रूप किए सेवा सखी, द्वै द्वै रूप श्री स्वामी जी महाराज के श्री बिहारीन देव जी महाराज ने दर्शित किए यानी देखे अवलोकन किया। बोलो बिहारी जो महाराज की। प्रेमी जनों आज के प्रसंग में आप श्रवण करेंगे धर्म बिना धन कौन है बापुरो, इंद्र दलिद्री दूर बिडारो, कहे बे कर बे की कहालों कहूं, जो अधर्म की बात सुने ताह तारों, ना तो कहा कुल गोत बिरत सों, नाम बिहारिन दास पुकारो, न्याव यह जो निहायत नाही अनन्य बिना हरिदास न निहारो। बोलो स्वामी जो महाराज। बोले धर्म बिना धन कौन है बापरो, इंद्र दलिद्री दूर बिटारो। प्रेमी जनों आप जो है आचार्य परवर श्री स्वामी हरदास जी महाराज के प्रासे से श्री स्वामी बिहारी जी महाराज की वाणी के द्वारा श्रवण कर रहे हैं। महाराज कहे हैं धर्म बिना धन कौन है बापरो, अगर धर्म नहीं है हृदय में तो संसार के सारे सुख अथवा धन का बाहुल्य कुछ कोई लाभ ही नहीं है अगर धर्म नहीं है। धर्म बिना जो धनी कहावे दिन दालिद्री भीख न पावे, जिसके पास धर्म नहीं है, धर्म और धैर्य दोनों चाहिए। धर्म और धैर्य जिसके पास है उसका जीवन जीवन है, और संसारी धन है जिसके पास और धर्म और धैर्य नहीं है वो कुछ नहीं है। बोलो यारी जो महाराज आचार्यों की दृष्टि में। तो महाराज कहते हैं मेरे मत धर्म धन साचो, और धर्म धीर निर्भय हुए नाचो। मेरे मत में धर्म ही सच्चा धन है, अनन्य धर्म, इष्ट के प्रति अनन्य अनुराग। अनन्या चिंतितो मा ये जना प्रपास्ते, तेषां नित्याभियुक्ता नाम योक्षेमं बहम्यम। भगवान कहते हैं मैं अनन्यों को प्राप्त होता हूँ, जो अनन्य अवधारणा मेरे प्रति करते हैं उनका योक्षेम मैं स्वयं करता हूँ। योक्षेम का भाव बड़े बताते हैं, प्रारब्ध के अनुसार जो वस्तु प्राप्त है मेरे दास को उसकी रक्षा करता हूँ, और जो प्रारब्ध में भी नहीं है लेकिन मेरे भक्त को जरूरत है मैं उसको देता हूँ। प्रारब्ध में नहीं है फिर भी देता हूँ, कब? जब मेरा अनन्य होता है तब। बोलो यारी जो महाराज, तब देते हैं प्रभु। तो मेरे मत धर्म में धन सांचो, और धर्म धीर जो धर्म को धारण किया, और धर्म को धारण करके धैर्यवान है किसी भी स्थिति में, विकल नहीं होते, चंचल नहीं होते, अपने धर्म को छोड़ते नहीं हैं किसी भी स्थिति में,
उनके साथ हरि होते हैं, हरि उनके साथ रहते हैं। महानुभाव श्री गुरुदेव जी महाराज कहते, तुम धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। संसार की किसी परिस्थिति के कारण तुम धर्म को छोड़ दोगे तो धर्म तुमको छोड़ देगा, और प्रारब्ध के अनुसार तुमको नाना प्रकार के दुख उठाने पड़ेंगे। अगर धर्म को धारण करके रखा है, किसी भी स्थिति में धर्म को नहीं छोड़ते हैं, तो धर्म उनकी हर स्थिति में रक्षा करता है। इस शास्त्र का हरि स्मृति सर्वव्याध विनाशनम, हरि का स्मरण सर्व व्याधियों को विनाश करने वाला होता है, लेकिन ये अनन्य स्मरण होना चाहिए। ये एक बारीकी है, बोलो हरि जो अनन्य शरणागति। भगवान श्री कृष्णचंद जी श्री गीता जी में अनन्यता का लेख विशेष कर रहे हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि महासच। मन मना भव मदभक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामी वैशसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रिय असीम। बहुत प्रकार से अनन्य भाव। यहाँ श्री बिहारंदेव जी महाराज बार बार, ऐसा कौन सा पद होगा जिसमें इष्ट के प्रति अनन्यता का लेख नहीं है? क्योंकि सबसे अमूल्य साधन, सबसे मूल्यवान साधन अनन्य भाव है इष्ट के प्रति। अनन्य भाव से ही बिहारी दास शब्दन सुखी जाके भजन बिहार, वो शब्दन सुखी हो जाएंगे। अनन्य आश्रय है। और गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, तो आचार्य जन कहते हैं इष्ट बाजू नहीं पकड़ते। प्रारब्ध के अनुसार संसार में तो जैसे तैसे पूर्ति होगी, और ठाकुर का कोई भी ठाकुर का नाम है उसको स्मरण कराएंगे, वो जो है खाली नहीं जाता है, फलदायक होता है। लेकिन हरि कब मिलते हैं? हरि तो अनन्य आश्रय से मिलते हैं। एक साध है सब सद है, सब साध है सब जाए, जो जल सींचे मूल को तो फूले फले अगाए। आचार्य श्री ललित किशोर देव एक साध है सब साध है, सब को साधने से सभी चले जाते हैं। एक की साधना करनी है और सर्वोपर की साधना करनी है। हरि के सभी रूप महान हैं, सब वंदनीय हैं, लेकिन तुमको किस स्वरूप में भाव है? एक आस एक वास एक इष्ट एक नेम एक प्रेम, एक होना चाहिए, तब हरि प्राप्त होते हैं। और यहां से लेके वहां तक की पूरी जिम्मेदारी अपने हाथ में लेते हैं। बोलो बिहारी जो महाराज, तू धर्म बिना धन कौन है? बापुरो इंद्र दलिद्री दूर विडारो। महाराज कहते हैं कि धर्म के बिना धन की कोई कीमत नहीं है। जब धर्म है तो धन की कीमत है। इंद्र दरिद्री दूर बिड़ारो, खीणे पुण्य मृतलोकम विशंति। इंद्रादि सुखों को तो हम चाहते ही नहीं हैं। अनुगत जो हरि के अनुगत जन होते हैं वो इंद्रादि स्वर्गादिक सुखों को नहीं चाहते हैं। इंद्र दरिद्री दूर, इंद्र तो दरिद्री है, अथवा इंद्रलोक का सुख तो दरिद्रियों का सुख है, सकामी लोगों का है। जो हरि भक्ति प्रायण होते हैं वो जो है इंद्राद अथवा स्वर्गादिक के सुख नहीं चाहते हैं। कहे वे करवे की कहालों कहो, जो अधर्म की बात सुने ताए तारो। महाराज बोले, हम कहते तो हैं ही नहीं सकाम धर्म के विषय में, नाना प्रकार की क्षुद्र उपासनाओं के विषय में, और भी जो है नाना प्रकार के क्षुद्र धर्मों के विषय में कहना तो है ही नहीं अपनी जिब्या से। लेकिन कोई कहता भी है तो हम उसको अधर्म मानते हैं। बोलो बिहारी जो, अधर्म की बात सुने क्यों? कि स्वर्गादिक भोगों में लिप्त होना अथवा उनकी चाहना करना ऐसे मानो सोने की बेड़ी, संसार के दुखड़े सहन करना समझो लोहे की बेड़ी, और स्वर्गादिक के सुख स्वीकार करना ये सोने की बेड़ी। बेड़ी तो दोनों ही हैं, बंधन तो दोनों ही हैं। ये जीव को हरि प्राप्त कहाँ भाई? बोलो बिहारी जो, हरि भक्ति परायण होंगे अनन्य भाव से तभी हरि प्राप्त होंगे। और नाना प्रकार के हम जो है सकाम कर्मों में अपने जीवन को बहा देंगे
तो यहाँ तो तुमको ऐसा लगेगा कि हम बहुत अच्छे से चल रहे हैं, लेकिन खोदा पहाड़ निकली चुहिया, कुछ नहीं होता है। तो महाराज बोले, अधर्म की बात सुने ताहे तारों, ना तो कहा कुल गोत विरत सो, नाम विहार इन दास पुकारो। महाराज बोले, हमारे पूर्वाश्रम संबंध जितने भी थे, हमारा अब उनसे कोई संबंध नहीं। महाभक्तों की बात बता रहे हैं महाराज, लेकिन प्रेमी जनों जो आप लोग ग्रस्त में रहते हैं, माता पिता सब परिजनों की सेवा करते कराते, लेकिन निश्चय रूप से अपना संबंध बिहारी बिहारिन से बना लेना है कि हे प्यारे, ये सेवा है हमारा कर्तव्य है, बराबर कर रहे हैं, लेकिन आप हमारे हैं और हम आपके हैं। हरि हमरे हरे, हम हरि के प्राण, हरि हम दो एक समान, और तन मन विचरण की है आन, और समझे को रसिक सुजान। स्वामी जी महाराज, बिना ममत एकत्र ऐसा जगत है भगत घनेरा, प्रभु जी हो तेरा तू मेरा। हे प्रभु जी आप मेरे हैं, हे बिहार जी महाराज आप मेरे हैं, हम आपके हैं। ये बिना ममत एकत्र ऐसा ममत्व होना चाहिए। ममत्व एकत्व जब ही रसत्व प्राप्त होता है हृदय में, जब हमारा ऐसा ममत्व श्री हरि के चरणों में, इष्ट के चरणों में ऐसा ममत्व एक ऐसा है, अनन्य भाव से ये ममत्व प्रकट होता है। बोलो स्वामी जो महाराज, तो ना तो कहा कुल गोत विरत सो, हमारो कुल गोत से कोई ना तो ना है। महाराज श्री भगवत ऋषिकदेव जी महाराज कहते हैं, जात जात में जात सब सबई जात कुजात, भगवत ऋषिक अनन्य की कहो कौन सी जात, सजाति हो सुजाने, विमुख बिजाति देखे की जात बखाने। जो विमुख बिजाति लोग हैं वो देह की जाति बखान करते हैं, देह तो एक दिन नष्ट हो जाती है, वो तो खेर है, वो तो राग का ढेर है। तो विमुख बिजाति देखे की जात बखाने, निज स्वरूप नहीं लखें विवादी बात बात में। ओ भगवत रसिक अनन्य जगत सब जात जात में, जो रसिक अनन्यों को छोड़ के, रसिक प्रेमी जनों को छोड़ के, सारा संसार जाति जाति करते करते जाता है, चला जाता है, इसको कोई हाथ पल्ले नहीं लगता है। इसलिए रसिक प्रेमी जनों, अगर हरि प्राप्ति का लक्ष्य है तो हृदय कमल में जाति भी नहीं रखनी है। महाराज बोले, ना तो कहा कुल गोत व्रत, बेटा बेटी ब्याहिए तहाँ घटिए जात, बेटा बेटी का संबंध करना है वहाँ जाति से काम ले, और भेद भक्ति में जो करता भक्ति बच जात। अगर भक्ति के बीच में जाति का स्मरण किया तो भक्ति महारानी तुम्हारे हृदय में कभी नहीं रहेंगी। बोलो स्वामी जो महाराज, तो ना तो कहा कुल गोत विरत सो, नाम बिहारिन दास पुकारो। हमारो नाम तो बिहारिन दास ही है, रसिक अनन्य हमारी जात, हमारी कौन सी जात है, हम तो बिहार जी महाराज के कुल के हैं, रसिक अनन्य नृपति स्वामी जी महाराज के कुल के हैं, हम तो हरि के कुल के हैं। हमारी जाति जो हरि की जाति है वही हमारी जाति है। बोलो बिहारी जू महाराज, जो बिहारी जी की जाति है वही तो रसिक अनन्य हमारी जात। अच्युत गोत्र बखानिए भक्त भक्त की जात, भक्त की जाति भक्त ही है। पूछन हारे नार किए जो भक्त हैं पूछे जात, जो भक्त को जाति पूछते हैं बिहारंदी जी महाराज बोले उनको नरक में जाना पड़ता है। बोलो यारी जो स्वामी, तो महाराज बोले ना तो कहा कुल गोत व्रत, हमारा कुल गोत से कोई संबंध नहीं है। सुनाम बिहारिन दास, हम तो बिहारिन की लाडली जी की दासी हैं। सहचरी हुए भजो पलक पास क्यों तजो, संग वसी हो मान कोट ना, करोड़ों नातों का नाता हमारा सहचरी भाव, सहचरी भाव से भावित होके और बिहारी बिहारन की अंग संगनी अपने आप को सहचरी स्वीकार करें। हे लाडलीजू, हे कृपालु दयालु, हम तो आपकी अंग संगनी सहचरी हैं। और प्रेमी जनों, हमेशा हमेशा आप लोगों को बताते रहते हैं, चलते फिरते उड़ते जागते सहचरी भाव के आप उपासक हैं। हे लाडलीजू, हम आपकी सहचरी हैं, हम आपकी दासी हैं, आपकी अंग संगनी सहचरी हैं। पूज्यपाद जी महाराज कहते थे, ये कहते रहना चाहिए, जिससे संसारिक जो संबंध है, जो नाना प्रकार का यहाँ पसारा फैला हुआ है, उसकी जड़ कट जाती है, ऐसा कहने से बार बार से। हे लाडली जी, हम आपकी सहचरी हैं,
हमारे यहाँ संसार से कोई संबंध नहीं है। आए या देश नहीं कछु आस है, और बहोर जाए वा देश जहाँ हरिदास है। यहाँ हमको कोई आशा नहीं किसी से, यहाँ तो बस जो सेवा के लिए भेजे हैं बिहारी बिहारी ने, वो सेवा करनी है, उन्हीं के तल्लीन, जो सेवा सौंपी है उनमें कर्तव्य समझ के, लेकिन आशक्त नहीं, कर्तव्य समझ को सेवा को करे, चाहे ग्रस्त रूप में है चाहे विरक्त रूप में है, लेकिन उसमें आशक्त नहीं हो। जैसे कमल जल में प्रकट होता है, पैदा होता है कीच में, लेकिन उसके पास कीच और जल तनक भी नहीं होती उसके ऊपर। इस तरीके से यहाँ संसार में जिए। बोलो स्वामी जू अनाशक्त भाव से। तो ना तो कहा कुलगोत विरत सो नाम बिहारिन दास पुकारो। हम बिहारिन दासी हैं, लाडली जी की दासी हैं, हमारा यही संबंध है, यही नाता है, इसको स्मरण करते रहना चाहिए हमेशा हमेशा। जैसे जैसे हरि से संबंध बांधे हैं, जिन जिन का भाव है, अपने अपने भाव अलग अलग हैं, अन्य संप्रदायों के जैसे जैसे स्वामी जी के घराने में केवल एक ही भाव है, दूसरा भाव नहीं है, सहश्री भाव। वृंदावनी रसिक प्रेमियों के भाव सहश्री भाव अथवा दासी भाव अथवा गोपी भाव, स्वामी जी के घराने में सहश्री भाव। स्वामी जो महाराज तो और हमारा संबंध नहीं है लाडली जी, हम तो आपकी अंगसंगनी सहश्री हैं। एक जन्म में अनंत जन्मों का क्लेश कट जाएगा प्रेमी जनों, एक जन्म में अनंत जन्मों से जो दुख भोगते, बार बार जन्मना, बार बार मरना, कीड़ा मकोड़ा गधा घोड़ा यानी क्या क्या बनते चले आ रहे हैं, बहुत कृपा की बात है। पायो हरधन नाम और मेरे कहा चाहिए, और श्री वृंदावन धाम और मेरे कहा चाहिए। वृंदावन धाम मिले और हरि को नाम मिलो, गुरुजन मिले, संत मिले, रजरानी मिले, जमुना जी मिले, बिहारी जी मिले, सब कुछ प्राप्त हो गया, अब कसर कहाँ रह गई। अब तो दृढ़ता आनी चाहिए, अनन्यता आनी चाहिए कि ये हमारे हैं, हम इनके हैं। न्याय यह है जो निहायत नाही अनन्य बिना हरिदास न निहार। महाराज बोले अगर कोई हरिदास भी है, कैसे विचित्र शब्द हैं, हरि का दास है, कैसे कड़े शब्द हैं बिहारी जी महाराज के। चाहे वो हरि का ही दास है लेकिन हरि के चरणों में अनन्य भाव नहीं है, कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं। महाराज बोले उनको हम देखना ही नहीं चाहते हैं। बोलो बिहारी जी हरिदास होने के बाद में भी हम उनको देखना नहीं चाहते हैं, उनकी रीति उनकी वृत्ति ठीक नहीं है। वृत्ति कृत्य ते जानिए डोम कौम दाऊद, वृत्ति कृत्य से समझा जाता है इसका क्या स्वरूप है। तो महाराज बोले कि अगर अनन्य नहीं है, इष्ट के चरणार बंदों में अनन्य निष्ठा नहीं है, चाहे वो हरि के दास ही क्यों न सही, उनको हम देखना ही नहीं चाहते हैं। बोलो स्वामी जो महाराज प्रेमी जनो, आचार्य प्रवर श्री स्वामी बिहारानंद जी महाराज के ये कड़े वचन अगर किसी को स्वीकार होके और अपने आप को संभाल लिया तो इसी जन्म में वस्तु प्राप्त होगी, इसी जन्म में, दूसरे जन्म की बात नहीं। स्वामी जो महाराज शेरदास प्रिय सरण
सब सुख सागर ये तो रूप उजागर, सब सुख अंग संग प्रीतम प्यारी प्यार, अंग संग प्रीतम प्यारी, अंग संग प्रीतम प्यारी प्यार, वृंदावन घन नव निकुंज में केली करत बुझ चारी चारी, केली करत बुझ चारी चारी, कुंज बिहारी मन मेरे भरे बिहारी बिहारिन दास लड़ावत, जीवन प्राण हमारी हमारी जीवन प्राण, जीवन प्राण हमारी हमारी, जीवन प्राण मन मेरे भजिले श्री, मन मेरे भजिले श्री कुंज बिहार, बिहारी मेरे बांके बिहारी, कुंज बिहारी मेरे बांके बिहारी, मन मेरे भजिले श्री, मन मेरे भजिले कुंज बिहारी, कुंज बिहारी मेरे बांके बिहारी, कुंज बिहारी मेरे। स्वामी जी महाराज की, बिहारी जी महाराज की, वृंदावन चंजू की, समस्त आचार वंदन की, गुरुदेव शरणार विंद की, रंगीले बिहारी बिहारिन की, रंगीली प्रिया बिहारी बिहारिन की, समस्त रसिक प्रेमी जनन की, जय जय श्री हरिदास।